सेंट जॉन स्कूल प्रबंधन में वाहन चालकों को जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। चालकों ने स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद माना है। हिंगनघाट शहर में सेंट जॉन स्कूल CBSE पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रसिद्ध स्कूल है। स्कूल का संचालन वर्धा की सेंट जॉन सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट जॉन संस्था करती है। देश में और साथ ही शहर में लॉकडाउन के बाद सरकार के आदेशानुसार सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद सभी गरीब लोगों को निर्वाह की समस्या पैदा हो गई थी। इस अवधि के दौरान सभी गरीब और छोटे व्यवसायी लोगों को इसके चलते आज भी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। सेंट जॉन स्कूल के प्रबंधन ने इस पर ध्यान दिया। 3 अगस्त को छात्रों को स्कूल बस, ऑटो चालक, मालक और हिंगनघाट सेंट जॉन स्कूल के प्रमुख सिस्टर प्रीति जॉर्ज द्वारा अनिवार्य रूप से चीजों का एवं जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य प्रीति जॉर्ज, सिस्टर विक्टोरिया, सिस्टर प्रिया, प्रशांत शेरकेसर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर स्कूल परिवहन समिति के प्रतिनिधि धनंजय भूमबे ने प्रिंसिपल प्रीति जॉर्ज और उपस्थित गणमान्य लोगों का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सभी ऑटो चालक मालकों के साथ साथ स्कूल बस चालक ने लॉकडाउन की कठिन स्थिति में आवश्यक चीजों का वितरण करने के लिए प्रिंसिपल सिस्टर प्रीति के साथ साथ प्रबंधन को भी धन्यवाद दिया। महामारी नंतर ऑटो चालक, बस, स्कूल बस ड्रायव्हर यांची उपासमारीची वेळ आली आहे। त्या तेव्हा आता सेंट जॉन कॉन्व्हेंटने काल एक उत्कृष्ट उपक्रम करून ऑटो चालक आणि स्कूल बस चालक यांना मदत केली आहे, त्याबद्दल आपण काही विचारू सेंट जॉनच्या प्राचार्य यांच्याशी काही। COVID-19 रिलीफ मिशन आर सेंट जॉन सोसायटी इज ॲक्टिवली इन्वॉल्व डे इन अँड डे आउट। I am grateful to our manager, Sister Vidya Joseph, a great visionary who risked her life to reach out to the interior part of Wardha district, extending the helping hand to the poor and needy during this lockdown. She thinks of everybody associated with our society. A group of sisters in collaboration with the Sneha Charitable Trust, we reach out to the needy people. We have 4 schools in Wardha district itself, and reading the signs of time, sensing the challenges what people are facing, we try to see smile on the faces of our auto drivers by extending a small help. In BCN News के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।